नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भोले बाबा के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे और अपने परिवार जन के संग अपना जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत कर रहे होंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन दिनों के भीतर दोस्तों आपको पैसा, प्यार, धन संपत्ति सब कुछ प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि आपके दुखों का अंत होने वाला है। और दोस्तों अब आपका सोचा गया हर सपना पूरा होगा और आप इस खुशखबरी के बाद आप अपने पैरों तले जमीन खिसक सकती है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको कुछ ऐसी बातों से भी सावधान रहना होगा जो कि दोस्तों इस वीडियो में पूरे विस्तार के साथ बताने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों वीडियो द्वारा बताई गई बातों को फॉलो करें, नहीं तो दोस्तों आपके साथ में बहुत बड़ी घटना भी हो सकती है। लेकिन यदि आप इस वीडियो द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन काल में उतार लेते हो तो आपके साथ में भोले बाबा की कृपा से होने वाली घटनाएं खुद ही खुद घट जाएंगी और आप अपने जीवन में खुशियों का भरपूर मजा ले सकते हो। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इन दिनों के भीतर में आपको कौन कौन सी खुशखबरियां मिलने वाली हैं और आपके साथ में कौन सी घटनाएं होने वाली हैं, आपको किन बातों से सावधान रहना होगा और दोस्तों इन दिनों में आपको क्या शुभ कार्य करना है और क्या नहीं करना है, क्या सावधानियां रखनी है, मतलब इस वीडियो में हम आप सभी चीजों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं, जो भी भोले बाबा को सच्चे दिल से चाहते हैं, वे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों इसके साथ ही साथ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव, जय शिव शंकर जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपने किसी सफलता को पूरा करने का प्रयास करेंगे। छात्रों को अपनी पढ़ाई में कुछ व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए दोस्तों आप अपने माता पिता से बातचीत करेंगे। इस समय किसी भी प्रकार के लेन देन से बचें, नहीं तो आपको नुकसान झेलना पड़ना सकता है। दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज ना करें। अत्यधिक अहंकार और जीत के कारण आपको बदनामी का सामना करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना होगा कि विद्यार्थी आज किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए दिन अच्छा है। दोस्तों आप अपने प्रेमी को अपने घर वालों से मिलवा सकते हैं। आज घर में आपका कोई मित्र आपसे मिलने आएगा, जिससे मिलकर आपको पुरानी बातों को उखाड़ना नहीं पड़ेगा। दोस्तों आप इस समय अपने मित्र के साथ समय व्यतीत करें। परिवार वालों को कहीं बाहर घूमने, फिल्म देखने का निर्णय भी ले सकते हैं। ये सुन के परिवार वाले काफी खुश नजर आएंगे। जो लोग घर से काम कर रहे हैं आज उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है, कोई धोखा मिल सकता है। दोस्तों इस राशि के जातकों के लिए इस समय आपके लिए करियर और कारोबार के लिहाज से देखा जाए तो अनुकूल और लाभप्रद रहेगा। आज कारोबार में आपकी खूब कमाई होगी, कोई बिजनेस डील भी आज फाइनल हो सकती है। आर्थिक मामलों में आपको अपने प्रयास से बढ़कर मिलेगा। अगर मान सम्मान संबंधी कोई बात है तो आज का दिन अच्छा रहेगा। बाधाएं दूर होंगी, काम बनेगा, कोई अधूरा और सुलझा हुआ कार्य पूरा हो सकता है। किसी नए प्रोजेक्ट में भी आप काम शुरू कर सकते हैं। कोई मनोकामना पूरी होने से आप प्रसन्न रहने वाले हैं। दिन थोड़ा खर्चीला रह सकता है, इसीलिए संयम और समझदारी से काम लें। कोई पुराना संपर्क आपके काम आ सकता है। कुछ नई बातों की जानकारियां मिलेंगी। उत्तम विचारधारा के लोगों से मेल मिला एक नई ऊर्जा प्रभावित करेगा। विपरीत परिस्थितियों में घबराने की बजाय समस्या का हल ढूंढने का सामना करें। इस पोस्ट से जुड़े विद्यार्थियों के लिए लाभदायक शुभ अवसर बन रहे हैं। अपनी पर्सनल लाइफ में किसी भी तरह का रिस्क ना लें। दिन के दूसरे पक्ष में कुछ नकारात्मक परिस्थितियां रह सकती हैं। ऐसा महसूस होगा कि जैसे समय हाथ से फिसलता जा रहा है। इस समय धैर्य और संयम रखने का है। दोस्तों व्यवसायिक मामलों में कुछ बदलाव आ सकते हैं। जल्दबाजी की बजाय सहज तरीके से समाधान निकालें। मीडिया तथा ऑनलाइन गतिविधियों द्वारा नई नई व्यवसायिक जानकारियां हासिल करें। नौकरी पेशा लोगों को खास जिम्मेदारी मिल सकती है।
पति पत्नी के बीच में धन की समस्या को लेकर कुछ तनाव रह सकता है। गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं को सुलझाएं। व्यवस्थित दिनचर्या और खान पान रखने से स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है तो दोस्तों कुछ राहत मिल सकती है। आप खुद को सकारात्मक महसूस करेंगे और दोस्तों आज आपको काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के आपका दिन बड़ा ही खास रहने वाला है। यदि आपको कोई फैसला लेने में परेशानी हो रही है तो किसी बड़े से सलाह लें, आपके लिए आर्थिक समय अच्छा रहेगा। पारिवारिक माहौल सुखद बना रहेगा। किसी विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बना रह सकता है। ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये होना बड़ा ही स्वाभाविक है। इसके साथ दोस्तों आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। किसी के भी तरफ आकर्षित होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके मान सम्मान को ठेस पहुँचाएँ। आपको थोड़ा सा खास ध्यान रखने की आवश्यकता है जो कि दोस्तों आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों कुछ समय आपको सुकून और आराम के लिए समय निकालें। सार्वजनिक स्थानों पर जाने का मौका मिलेगा और दोस्तों थोड़ा सा आपको व्यापार से संबंधित लेने लेने में मुश्किलें आ सकती हैं। दोस्तों माँ लक्ष्मी का आप सभी पर आशीर्वाद बना रहेगा जिसके कारण दोस्तों आपको बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। बड़ों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। परिवार जनों के बीच में मन मुटाव की स्थिति की वजह से घर की व्यवस्था डगमगा जाएगी। सजाता और शांति से मामला सुलझाएं। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी तथा डेटिंग के अवसर भी मिल सकते हैं। दोस्तों अपने हालातों को देखने का नजरिया बदलने की आवश्यकता है, तभी नए रास्ते मिल सकते हैं। केवल अपने पक्ष को सही मानकर अन्य लोगों की बातों को ठुकराने से एक दूसरे के साथ में दूरी बढ़ सकती है। हालांकि आज किसी खास कार्य में सफलता पाने के बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता है, परंतु आपको अवश्य ही कामयाबी मिलेगी। प्रॉपर्टी अथवा वाहन पर खरीद संबंधी कार्य में गतिविधि आएंगी और नए समय पर कार्य संपन्न हो जाएंगे। किसी भी मामले में ज्यादा हस्तक्षेप करना उचित ना रहे, इसका नकारात्मक असर आपके मान सम्मान पर पड़ेगा। कुछ समय बच्चों की समस्याओं को सुनने और सुलझाने में समय अवश्य लगाएं। खर्च में अव्यवस्था की वजह से अपने रिश्तों को सही संभालना जरूरी है और दोस्तों जिम्मेदारियों पर भी ध्यान दें। परिवार के प्रति जिन लोगों का विश्वास आप लोगों के लिए कम होता हुआ नजर आ रहा है, उसका कारण जानने की कोशिश करें। अभी के समय में आपको अपना पक्ष समझना जरूरी होगा। फिर भी आपके द्वारा किसी भी प्रकार का व्यवहार या फिर काम गलत ना हो, इस बात का ध्यान रखें। बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। इस समय आपके पिता या फिर शिक्षकों के लिए संकट का समय हो सकता है। ऐसे में दोस्तों उन्हें अनदेखा ना करें, क्योंकि वो आपकी शक्ति का आधार है। आपकी बातचीत का कौशल आपके प्यार को गहरा कर देगा और दोस्तों आज आप जिस भी व्यक्ति से मिलेंगे वे आपके पूर्व रवैये और कसर में से बच नहीं पाएंगे। हर कोई आपके क्षमताओं और भावनाओं की तारीफ करेगा। यदि आपका प्यार एक तरफा है तब भी चिंता ना करें। जैसे जैसे आपका क्रश आपको अधिक जानेगा, वैसे ही वह आपकी नज़दीकियाँ बढ़ती जाएंगी। इसलिए दोस्तों कोशिश करते रहें। बात करते हैं करियर के बारे में। आज आप आधिकारिक मामले या फिर भाई बहन की परेशानियों को लेकर तनाव में आ सकते हैं। मौजूदा आर्थिक माहौल और अन्य परिस्थितियों में आपको आत्मविश्वास की ज़रूरत है, किंतु सामान या फिर धन को लेकर चिंतित ना हो, क्योंकि भविष्य में अतिरिक्त आय की संभावनाएँ हैं। बिक्री या फिर सौदे के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आप जानते हैं कि सफल होने के लिए क्या करना चाहिए और आप अपने कौशल का उपयोग करने से नहीं डरते हैं। याद रखें कि अगर शुरुआत अच्छी हो तो आधा काम वहीं पर ही हो जाता है। बात करते हैं सेहत यानी स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। विपरीत परिस्थिति में परेशान होने की बजाय समाधान ढूंढने का प्रयास करें। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।